अहिरवाल बेल्ट के एक और बड़े शहर नारनौल में आनाइन की टीम चुनावी मिजाज का मुआयना करने के लिए पहुंची है। हुड्डा सरकार में मंत्री रहे और एक बार फिर से नारनौल से कांग्रेस के प्रत्याशी राव नरेंद्र सिंह से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। तो नारनौल विधानसभा क्षेत्र का लगातार जायजा लेते हुए इस वक्त हम कांग्रेस के प्रत्याशी नारनौल से राव नरेंद्र सिंह जी, ठीक है, वो हमारे साथ हैं, उनसे जाने की कोशिश करें। राव साहब, ये बताइए कि दरअसल 2014 के बाद से अभी मार्केट का जो मुआयना कर लेते थे, जनरल व्यू जो हम लेना चाहते थे, थोड़ा मिक्स रिएक्शन है। देखिए, 2014 में और 19 में रात दिन का फर्क है। 2014 के अंदर लोगों ने भाजपा पर विश्वास किया, हमारे 10 साल से हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उस राज की नाराजगी हो सकती है। कुछ भाजपा ने स्थानीय नेताओं को, जो जाति वाइज नेता थे, उनको मुख्यमंत्री बनने के ऐसे लोगों को ख्वाब दिखाए कि उनको लगा कि हमारे क्षेत्र से इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपको लगता है कि कम से कम साउथ हरियाणा में बीजेपी में फूट है राव इंद्रजीत जी के चलते? देखिए, मैं दूसरी पार्टी के विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक अखबारों के माध्यम से या टेलीविजन से पता लग रहा है कि उन लोगों ने हर विधानसभा क्षेत्र में जो 5-5, 7-7, 10-10 उम्मीदवार जो तैयार कर दिए थे, खुद मुख्यमंत्री जी कहते थे एक अनार सो बीमार, तो टिकट तो एक को ही मिली है। निश्चित रूप से पार्टी में उनके में फूट है। और ये भी बताइए कि पिछले दिनों इतनी धड़ों में बटी हुई कांग्रेस, अब क्या एकजुट हो चुकी है? जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरह से एक है और कोई किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। पार्लियामेंट चुनाव में भी हम लोगों ने, हमारे यहाँ उम्मीदवार श्रुति चौधरी जी थी, सब ने मिल करके उनकी मदद की थी और आज भी मेरे पक्ष के अंदर तमाम कांग्रेस एक है। अच्छा, गुटबाजी नहीं है, लेकिन प्रचार में रफ्तार भी नहीं है। वहाँ बीजेपी ने अपनी तरफ से सारी ताकत शेष नेतृत्व को झोंक दिया है, आपका नहीं पता चला कि शेष नेतृत्व कहाँ? मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है, हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। जैसे मेरे इलाके के अंदर हमारे पड़ोसी क्षेत्र से हमारे सांसद डॉक्टर कंत सिंह साहब आए हुए हैं, सभी टीम आई हुई है, सभी जगह अपने अपने लगे हुए जिनका जहाँ प्रभाव है। और अभी बचे हुए एक हफ्ते का टाइम समय है, उस आखिरी हफ्ते के अंदर कांग्रेस अपनी पूरी ताकत चौंकेगी, जिसकी जहाँ डिमांड होगी उनको बुलाया जाए। ठीक है, हम लोकली रही कभी मुआयना कर रहे हैं, ये पटिकर गाँव है जहाँ पर आज पहुँचे आप, यहाँ के अपने मुश्किल समझिए, आपको पता होगा नगर परिषद में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ की मुखालफत हो रही है, आप क्या 3,500 वोटर्स हैं यहाँ पर बात करते हैं कि उनकी जो मांग है उसको करेंगे? जी बिल्कुल, पटिकरा गांव मेरा बड़ा प्रिय गांव रहा है। इस गांव का स्कूल मैंने अपग्रेड कराया था, +2 हम मेरे समय के अंदर मैंने बनवाया था। इसी गांव के अंदर मैंने एक बहुत बड़ा हरियाणा का बाबा केतनाथ जैसे महान संत के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाया। मेरे समय के अंदर इस गांव के इंडस्ट्री सेंटर डिक्लेयर हो गया था, गाँव वालों की मांग के ऊपर मैंने वो सारा कैंसिल कराया कि कोई बात नहीं, गाँव नहीं चाहता तो नहीं बनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर गाँव नहीं चाहता इसको नगर परिषद क्षेत्र में आना, तो सरकार को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, गांव की बात को माननी चाहिए। आखिरी सवाल, जो भावनात्मक बातें की जाती हैं बीजेपी के द्वारा, धारा 370 का आपने भी जिक्र किया, थोड़ा आपने कह दिया कि क्रिएट किया गया पुलवामा, आप लगते हैं उससे थोड़ा नुकसान पहुंचता है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट चुनाव लोगों ने देश की सुरक्षा के नाम के ऊपर भाजपा को या मोदी जी के नाम पर डाला है, सच्चाई की बात यही है मैं कहूँगा। और इसमें कोई शक नहीं कि आज हमको टेलीविज़न ऑन करते हैं, कोई मीडिया देखते हैं, तो इसमें केवल मात्र हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, इस तरह का जानबूझ कैसे एक माहौल बनाया जाता है कि देश के लोगों की भावनाओं को साथ खेला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसानी से श्रेय ले जाते हैं, अमित शाह जी बहुत बड़ा श्रेय ले जाते हैं, कांग्रेस कहीं पिछड़ जाती है? ये लंबे समय तक चलने वाली बात नहीं है, एक बार आप किसी को गुमराह कर सकते हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती, एक बार हो गया आगे देश की जनता दोबारा समझेगी और कांग्रेस में सोनिया जी के नेतृत्व में दोबारा कांग्रेस तेजी से बहुमत के साथ वापसी करेगी। देखिए, फिर हुड्डा सरकार होगी, आप कैबिनेट मंत्री होंगे, ये फैसला तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, बाकी जो भी करेंगे हमें स्वीकार है। तो इस वक्त हम यदुवंशी दरअसल स्कूल में पहुंचे हुए थे, यहाँ पर एक समारोह सा किया गया जहां पर प्रचार किया जा रहा था, यहां प्रत्याशी पहुंचे हुए थे जो कि नारनौल से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका ये कहना है कि अब भावनात्मक तो बातों से बात नहीं बनेगी, दरअसल फैक्ट चाहती है जनता और फैक्ट पर काम कर रही है कांग्रेस, और उन्हें अपनी जीत का पूरा दारोमदार जो है वो कार्यकर्ताओं पर छोड़ा है, जनता पर छोड़ा है, और उनको लगता है कि जीत आसानी से हो जाएगी। इस वक्त मैं नारनौल से कुलदीप सिंह पठानिया, कैमरा मैन अर्शद खान के साथ R9 TV के लिए।